एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक रिलेटेड बेस्ट अपडेट्स और रिकमेंडेशंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं नव ट्रेड विद फाइव पैसा, जिसमें कि हर रोज वीडियो की शुरुआत में हम आपसे शेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लेसन। तो आज का लेसन है डाइवर्सिफाई, यानी कि इन्वेस्ट करते वक्त कभी भी आप सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट ना करें, जैसे कि सिर्फ इक्विटी या फिर सिर्फ रियल एस्टेट, बल्कि आप अपनी मनी को डिस्ट्रीब्यूट करें मल्टीपल एसेट क्लासेस में बैलेंस प्रोपोर्शंस के साथ, क्योंकि इससे आपको एक डिसेंट प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आपका कोई एक एसेट क्लास पुअरली परफॉर्म कर रहा है तो आप अपने बचे हुए एसेट क्लासेस से उम्मीद कर सकते हैं और साथ ही वहां से प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डाइवर्सिफिकेशन प्लान करने से पहले आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। तो ये था आज का लेसन। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह देखते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 16,700 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,100 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 37,500 का सपोर्ट मिल रहा है और 38,700 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो होल्डिंग पीरियड है 7 to 10 days। सबसे पहले है IPCA लैब, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है तो इसे बाय कर सकते हैं 934 पर, स्टॉप लॉस 887, पहला टारगेट 981 और दूसरा टारगेट 1030 पर रख सकते हैं। इसके बाद है रैडिको, यहां पर राइजिंग वॉल्यूम है तो इसे बाय कर सकते हैं 1078 पर, स्टॉप लॉस 1040, पहला टारगेट 1116 और दूसरा टारगेट 1155 पर रख सकते हैं। फिर है डीमार्ट, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो बाय कर सकते हैं 4445 पर, स्टॉप लॉस 4245, पहला टारगेट 4650 और दूसरा टारगेट 4850। इसके बाद है जाइडस लाइफ, यहां पर वॉल्यूम स्पर्ट है तो बाय कर सकते हैं 409 पर, स्टॉप लॉस 388, पहला टारगेट 430 और दूसरा टारगेट 450 पर रख सकते हैं। इसके बाद है LG इक्विपमेंट्स, यहां पर रिकवरी ऑन कार्ड है तो बाय कर सकते हैं 422 पर, स्टॉप लॉस 403, पहला टारगेट 442 और दूसरा टारगेट 460 पर रख सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स की बात करें तो MCX वेंट अप 3.1%, फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड। अब बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज की। इसमें आज हम देखेंगे मेडिकामेंट, बायोटेक, NCC एंड क्वेस्टकॉप। मेडिकामेंट बायोटेक की बात करें तो इट फोरेज इनटू द डोमेस्टिक फार्मा बिज विद सब्सिडरी मेडिकामेंट लाइफ साइंसेस। NCC की बात करें तो NCC ने एक न्यू ऑर्डर रिसीव किया फॉर ₹393 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ GST इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। क्वेस्टकॉप की बात करें तो क्वेस्टकॉप ने कमल पाल हुडा को अपॉइंट किया एज ग्रुप CFO विद इमीडिएट इफेक्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फीडबैक और सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही YouTube शॉर्ट्स भी फॉलो करें फॉर रेगुलर स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स।